हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको दोस्त सैयद एक बार फिर आपकी साथ एम्ब्रोशिया फैमिली की तरफ से आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी से हम अपना नीट का एग्ज़ाम 2018 को क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी हम अपनाएं जिससे हम MBBS कर सकते हैं और हम डॉक्टर बन सकते हैं। और आज की जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक साइंटिफिक स्ट्रेटजी है। एक जो आप नॉर्मल में जो आप कोचिंग्स में पढ़ते हो, जो आज तक आपने अपने स्कूल्स में पढ़ा है, उससे कुछ हटके है। एक्चुअली जो आप अब डॉक्टरी में पढ़ने जा रहे हो, आप उसमें एक आपके फर्स्ट ईयर में आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी। तो मैं आपको आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, एनाटॉमी के हिसाब से समझाता हूँ कि आप कैसे पढ़ाई करो, कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा आपके लिए। बिकॉज हमको अलग अलग मेथड बताए जाते हैं, बुक्स में कोई और बताता है, कोई वीडियो में अलग बताता है, कोचिंग सेंटर्स में अलग बताते हैं, कोई स्पेसिफिक सर हमको कुछ अलग मेथड बताते हैं। वो मेथड उनके हिसाब से तो सही होता है बिकॉज वो उनको सूट करता है, बट वी ऑल आर डिफरेंट और हम सब एक अलग अलग स्किल्स लेके पैदा हुए हैं। जो हमारा IQ लेवल आज की प्रेजेंट में चल रहा है, उस IQ लेवल से हम अपने आप को कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए बेटर रहेगी। फाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अभी काफ़ी बच्चे होंगे जो अलग अलग डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में जाके तैयारी कर रहे हैं, लाइक आकाश है, एलेन है, व्हाट्सएवर बहुत सी कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं MBBS की। वहाँ पे होता क्या है पैटर्न आपके, एक्चुअली कि आप एक मास्क में जाते हो, लाइक कि आप फॉर एग्जाम्पल यू कैन से डैट कि आप 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे, 500 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हो और आपका जो टीचर जो होता है वो एक स्ट्रेटजी अपनाता है, वो एक ही स्ट्रेटजी से आपको पूरा सबको कम्युनिकेट करता है। तो उसमें होता क्या है कि एक्चुअली जो वो बताना चाह रहे हैं वो सबके तक बराबर नहीं पहुंचता है बिकॉज सबका IQ लेवल जो है वो अलग अलग है। बट जितने भी आपका जो भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं, एट द एंड ऑफ डे एवरीथिंग इज ब्रांड, ठीक है, आकाश हो, चाहे आपका LN हो, चाहे आपका रेजोनेंस हो, कोई भी हो, उनको एक टारगेट रहता है कि हमको कैसे भी करके 10-15 बच्चे अपने टॉप लिस्ट में डालने हैं, हमको अपना ब्रांड बनाना है। तो ये जो ब्रांड की रेस जो बना रखी है इंसान ने, जो इंडिया में जो बना रखा है ग्रेस कि हमको फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, इस रेस के चक्कर में जो वो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो पिस जाते हैं बिकॉज वो अपने आप को उसमें फिट नहीं कर पाते। वहां पे जब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आगे से चार बच्चों ने बोल दिया यस सर आई नो, उन्होंने सॉल्व कर दिया उसको, बट जो पीछे वाला बच्चा है उसको पता है कि मुझे नहीं आता, लेकिन वो संकोच में बोल नहीं पाता है कि मुझे नहीं आता है। तो इससे हमको जो कंक्लूजन मिलता है कि हर इंसान के साथ अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। अगर हर स्टूडेंट अपनी आप को अपने स्किल्स को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करे तो बेटर होगा। तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं ह्यूमन एनाटॉमी का यूज करने वाला हूँ, तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो सबसे ब्यूटीफुल चीज जो हमको इंसान को मिल रखी है, दैट इज आवर ब्रेन, जिसका वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 1.4 kg। ये जो 1 किलो 400 ग्राम का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, सारा खेल इसी का है। ये दिमागी हमको बताता है कि ये अच्छा है कि खराब है, ये बुरा है, ये कैसा है, वो उसको फीलिंग्स, सारे सेंसेस जो होते हैं सब इस दिमाग से ही होके जाते हैं। तो इस दिमाग को जो बनाया है, जिस ब्रेन को बनाया है, इसके 3 लेयर्स है। आगे के लेयर जो हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। जैसे मैं अभी आपको इस वीडियो से जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में जा रहा है। अगर आपको लगेगा कि वो मैं सही बोल रहा हूँ तो आप उसको अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी में डालोगे, और अगर लगेगा कि मेरी बातें यूजफुल हैं तो आप उसको वहीं पे थ्रो कर दोगे। ऐसे ही कई बार आप जब बुक्स पढ़ते हो, जो अपने सिलेबस पढ़ते हो, थ्योरीज पढ़ते हो, तो आपको कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर जाती है कि कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जिससे आप अपने आप को जोड़ पाते हो, तो वो चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में चली जाती हैं। बट जो चीज़ों को आप टेम्परेरी लेते हो, जिसको आप ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, यानी कि उस समय आपका जो दिमाग है, बुक तो आपके सामने खुली है, आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम योर ब्रेन इज समवेयर एल्स ऑल्सो, उसके ऊपर ज़्यादा डेडिकेशन नहीं लग पाता, इसलिए वजह से वो आपको याद नहीं हो पाता। तो हम अगर ब्रेन को समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे चलता है,
तो हम अपनी पढ़ाई के अंदर एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट ला सकते हैं। लाइक होता कैसा है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है। ऑब्वियसली बायोलॉजी सभी को अच्छी लगती है, तभी आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो। फिजिक्स हो गई और केमिस्ट्री हो गई वो पढ़ के तो बंदा इंजीनियर भी बन सकता है, दैट इज ओनली बायोलॉजी वो आपको अच्छी लगती है इसीलिए आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो। तो अगर आप ये मत सोचो कि आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है तो मैं बायोलॉजी ज्यादा पढ़ लूंगा तो मुझे बायोलॉजी से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है, इट मीन्स कि जितने बच्चे 11 लाख 12 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हो उन सबको बायोलॉजी अच्छी लगती है, माय डियर फ्रेंड्स सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो बायोलॉजी आपका अगर सॉलिड पॉइंट है तो आपके कंपटीटर का भी वो सॉलिड पॉइंट है। तो हमारी जो ताकत बनती है, हमने ऐसे बचपन में एक स्टोरी सुन के रखी थी कि एक लकड़ी दो लकड़ी तीन लकड़ी, तो तीन लकड़ी की ज्यादा पावर, तो जिसके पास वही हमारे पास कॉन्सेप्ट इसमें है कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो स्टूडेंट का तीनों के ऊपर बराबर से कमांड होगा, जो फिजिक्स के ऊपर केमिस्ट्री के ऊपर और बायोलॉजी के ऊपर एक मेंटेनेंस रख पाएगा वही इस रेस में जीत पाएगा और आगे जाके गवर्नमेंट कॉलेज को उठा पाएगा। तो आप अपने आप को डिग्रीगेट मत करो, सेग्रीगेट मत करो, ठीक है, डाइवर्सिफाइड मत करो, आप अपने आप को इकट्ठा करो। टेक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज अ साइंस, एक ज्ञान की तरह उसको लो और उनको आपस में से कोरिलेट करो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार एक हफ्ता मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, एक हफ्ता मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, एक हफ्ता मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। तो उसमें होता क्या है, जब आपने उस मोमेंट पे पढ़ा वो चीज, तो वो चीज आपके कॉन्शियस माइंड में गई, लेकिन उसका 20% 30% या 10%, क्योंकि जिस समय आप पढ़ लो उस समय आप कितना कॉन्शियस हो, तो उसका 20-30% ही हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रह पाता है। तभी हम जब दोबारा एक हफ्ते बाद उस सिलेबस को पढ़ते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक हफ्ते पहले बायोलॉजी पढ़ी, अब मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, अब मैंने जब वापस उसके बाद मैंने फिजिक्स पढ़ी, वापस उठा के जब मैंने बायोलॉजी देखा आफ्टर द डिफरेंस ऑफ 15 डेज, तो मैंने क्या पाया कि जो मैंने पढ़ा था उसमें से मुझे सिर्फ एट दैट मोमेंट कितना याद है, 20% याद है। तो ये चीज को ध्यान से समझिएगा आप कि ये जो इसका रूटीन आप जो बनाते हो जो पढ़ाई का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आप इसको कंबाइंड भी लेके चलो, बिकॉज जो पेपर आएगा वो 3 घंटे में आपको तीनों को फेस करना है। उस समय आपको ये नहीं मिलेगा कि बायोलॉजी के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, या हम केमिस्ट्री के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। ये आपकी नॉलेज होगी, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में कितना डाटा उस समय अवेलेबल है और आप उसको कितनी शार्पली इंट्रोड्यूस कर पाते हो सामने, वो आपको एक्सपर्ट बनाएगा। तो इसमें कॉम्बिनेशन बना के चलिए। और एक पॉइंट मैंने जो नोटिस किया, जो जो क्वेश्चनर्स होते हैं, जो क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, उनके दिमाग में एक चीज होती है कि सपोज कर लो यार 12 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो उसमें 10 लाख बच्चा कॉमन होगा, 2 लाख बच्चा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, तो वो दोनों को देखते हुए पेपर बनाते हैं। जो आपका जो पेपर आता है, आई कैन से दैट 88% 90% आपका एनसीईआरटी से ही आती है साइंस हमारे पास। तो जो आपका क्वेश्चन जो होता है उसमें 200 250 300 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इजी क्वेश्चन होते हैं। तो आप पहले तो ये कोशिश करो कि आपको इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो दूसरा बच्चा इजी क्वेश्चन गलत नहीं करता है। तो जब आप तीनों को कंबाइन करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इजी क्वेश्चन को कैसे डिटेक्ट करें। और कुछ क्वेश्चन वो जानबूझ के वो कॉम्प्लिकेटेड डालते हैं, जहां पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं IQ लेवल, वो चेक करते हैं। तो वो आपका सब्जेक्टिव वही रहता है, एनसीईआरटी रहता है। सपोज कर लो कि इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना है तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनना है। आप जैसे कॉपी उठाते हो बायोलॉजी, आपने उठाई बुक उठाई, आपने बायोलॉजी में से एक थ्योरी पढ़ी, अब आप उसमें जो पढ़ते हो, आप एक थ्योरी पढ़ते हो, उसके बाद आप डायग्राम पढ़ते हो, कुछ फॉर्मूलास पढ़ते हो, तो जब आप तो आप तीनों में कॉम्बिनेशन और एक लिंक बनाओ। अगर आपने एक थ्योरी बनाई तो जो फॉर्म अगर सामने डायग्राम है उस डायग्राम को आपने देखा, उसको फेस किया, अब आप 4-5 डायग्राम अपनी मर्जी से बनाओ कि अच्छा इसके ऊपर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। डोंट थिंक लाइक ए स्टूडेंट, थिंक लाइक ए रिसर्चर वहां पे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को जो उस एक्सरसाइज के बाद में दे रखे हैं उनको सॉल्व करने से पहले, जब आपने थ्योरी को समझ लिया अच्छे से, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको उसके अंदर का मॉरल निकालना है। यू हैव टू पिक आउट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो उसके अंदर का मॉरल निकाल के आपने खुद से पहले 5 क्वेश्चन बनाए और उसको सॉल्व किया, ठीक है। पहले आप अपना खुद से टेस्ट ले लो कि मैं इसमें कितना कमांड रखता हूँ, उसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाए। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉप की रैंकिंग में आना है, इफ यू रियली वांट टू गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज,
जो सारा बच्चा फॉर्म भरेगा उसमें हार्डली 1.2 से 1.3% ही बच्चा ऐसा होगा जो गवर्नमेंट कॉलेज लाएगा। तो उस 1.2 के लिए आपको टेक्निक्स अपनानी है। तो एक इंडिविजुअल फॉर्म में आप क्या हो, क्या आपकी स्किल्स है, इसको समझो, ना कि दूसरा आपको जो समझा रहा है, क्योंकि भीड़ चाल में जाओगे तो आप खो जाओगे। बहुत से बच्चे तैयारी से पहले हर साल में देखता हूँ कि सब कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट लास्ट में आदमी बोलता है सर ये गलती हो गई वो गलती हो गई। तो ट्राई टू मेंटेन लाइक यू कैन से कॉम्बिनेशन बिटवीन योर सब्जेक्ट्स। ये तीनों जो आप पढ़ लो, तीनों की अलग इंपॉर्टेंस है, आप उसको समझो, उसको सेव मत करो। यू आर नॉट अ कंप्यूटर, यू आर अ ह्यूमन बींग। आप उसको समझो, उसमें से खुद से क्वेश्चंस निकालो, कुछ स्ट्रेटजी को चेंज करो, और अगर कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, कुछ आपका क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। यू कैन आस्क मी एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। मैं अपने एक नंबर भी छोड़ूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। और आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए, सब्जेक्टिव नॉन सब्जेक्टिव, या कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है सर, कौन सा कॉलेज हमको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, इंडिया के बाहर भी हम कैसे डॉक्टरी कर सकते हैं, यू आर वेरी वेलकम टू कॉल मी। थैंक यू फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू।